गुड मॉर्निंग, मैं डॉक्टर जेकब थॉमस हूं और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में और डिफरेंसेस है जो ओमिक्रॉन और डेल्टा वेरिएंट के बीच में जो है। तो जो ये थर्ड वेव जो आया है हमारे देश में, ये मेनली ओमिक्रॉन वेरिएंट के वजह से हो रहा है। एक स्मॉल स्टडी के हिसाब से अराउंड 75% केसेस जो हम देख रहे हैं ये ओमिक्रॉन के वजह से है एंड अराउंड 20-25% केसेस डेल्टा वेरिएंट के वजह से हो रहा है। तो ये ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है साउथ अफ्रीका में ओरिजिनेट हुई थी और इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसीलिए कहा था क्योंकि इसके जो जीन सीक्वेंस है इसमें 50 से ज़्यादा म्यूटेशंस हो गया है। तो ये म्यूटेशंस क्या होता है, हर एक वायरस, बैक्टीरिया, हर एक ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे जीन्स होते हैं और ये जीन्स एमाइनो एसिड से बना जाता है। एमाइनो एसिड्स प्रोटीन्स का एक पार्ट होता है और हर एक जनरेशन, जैसे वायरस एक पर्सन से दूसरे पर्सन को इन्फेक्ट करता है और उसके अंदर जो मल्टीप्लाई होती है, हर एक जनरेशन में कुछ एमाइनो एसिड्स में बदलाव आ सकती है और कभी कभी ये बदलाव इतना हो जाता है कि उसमें कुछ नए तरह की खूबियां वो वायरस को मिल जाता है। तो ये खूबियां अक्सर ज़्यादा हानिकारक नहीं होता है, लेकिन कभी कभी वो खूबियों के वजह से या तो वो ज़्यादा डेंजरस हो जाता है या फिर वो ज़्यादा स्प्रेड हो सकती है, इस तरह के क्वालिटीज़ आता है। तो ओमिक्रॉन वेरिएंट में जो म्यूटेशंस हुआ है, 50 से ज़्यादा म्यूटेशन, उसमें से जो स्पाइक प्रोटीन है, जो स्पाइक प्रोटीन के ज़रिए जो वायरस ह्यूमन बॉडी सेल को अटैच होती है, वो स्पाइक प्रोटीन में भी 30 से ज़्यादा म्यूटेशंस हुआ है और जो टिप ऑफ स्पाइक प्रोटीन है, जो एक्चुअल एरिया है जिससे वो अटैच होती है ह्यूमन सेल्स के साथ, वो टिप में भी 10 से ज़्यादा म्यूटेशंस हुआ है। और इसके वजह से ये कंसर्न था कि जो प्रीवियस वैक्सीन है, जिस जो वैक्सीन के वजह से जो एंटीबॉडी ह्यूमन बॉडी में बना है, वो शायद ओमिक्रॉन में काम नहीं आएगा। तो ये कंसर्न था और ये ओमिक्रॉन वेरिएंट की जो एमाइनो एसिड सीक्वेंस जो बदली, जो म्यूटेशंस बदला, उसके वजह से उसमें स्प्रेड होने की ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ गया और पिछले डेल्टा वायरस से कंपेयर्ड ये ओमिक्रॉन वेरिएंट बहुत ही फास्ट स्पीड में स्प्रेड होता है। एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन एक पर्सन 3 से 5 को स्प्रेड कर सकता है। किस कोई कोई लोग बहुत ज़्यादा को स्प्रेड कर लेगा, 10 या 20 या 25, और कोई कोई जो अपने आप को बहुत अच्छी तरह से आइसोलेट रख पाएगा वो शायद किसी को भी स्प्रेड नहीं करेगा। तो ये ओमिक्रॉन वेरिएंट इंडिया में आ गई और ये काफ़ी रैपिडली स्प्रेड हुआ और अभी हम देख रहे हैं हज़ारों हज़ारों केसेस डेली हो रहा है। मैंने पिछले कुछ दिनों में ही 70+ केसेस देखे हैं और लकीली ये जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है ये काफ़ी माइल्ड है, इसमें काफ़ी माइल्ड इन्फेक्शन हो रहा है। ये 70 केसेस में अभी तक कोई भी केस क्रिटिकल या सीरियस नहीं हुआ है और किसी भी केस में कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ है। तो डेल्टा और ओमिक्रॉन में क्या फ़र्क था, डेल्टा जो इन्फेक्शन था वो जनरली थ्रोट में होता था, गले में दर्द और खांसी ज़्यादा होती थी। ओमिक्रॉन में भी खांसी हो रहा है, बट एडिशनली ओमिक्रॉन में सर्दी यानी कि नोज कंजेशन और छींकें भी आती है। तो ओमिक्रॉन में सिर्फ खांसी होता था, डेल्टा में सिर्फ खांसी होती थी और ओमिक्रॉन में खांसी भी हो रहा है और नोज कंजेशन, छींक भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। ये एक डिफरेंस है और शायद इसी डिफरेंस के वजह से डेल्टा सिर्फ खांसी के वजह से स्प्रेड होता था, लेकिन ओमिक्रॉन छींक, जैसे नाक से छींक होती है और खांसी, दोनों से स्प्रेड होती है। एंड दैट कुड बी वन रीज़न जिसके वजह से वो और भी ज़्यादा फास्ट स्प्रेड हो रहा है। दूसरा डिफरेंस ये है कि डेल्टा रैपिडली लंग्स में फैल जाता था, 10 में से 6-7 लोग को लंग इन्फेक्शन हो जाती थी, ARDS यानी कि एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम ये होता था, और उसके वजह से ऑक्सीजन का प्रमाण कम होता था और उन लोगों को ऑक्सीजन और वेंटिलेटर लगती थी।
लकीली ओमिक्रॉन वेरिएंट ज़्यादा लंग में स्प्रेड नहीं होता है, तो 70 ऑड केसेस में मेरे दो पेशेंट ही है जिसके सीटी स्कैन में जो एआरडीएस टाइप पिक्चर हुआ है और शायद वो डेल्टा हो सकता है। तो डेल्टा है या ओमिक्रॉन है ये पता चलाने के लिए जीनोमिक सिक्वेंसिंग करना पड़ता है, वो रूटीनली अवेलेबल नहीं होता है, वो हमको पुणे वायरोलॉजी लैब या किधर भेज के करना पड़ता है, तो रूटीनली हम नहीं करते हैं। तो हम लोग क्लिनिकल प्रेजेंटेशन के ज़रिए ये डिसाइड करते हैं कि ये माइल्डर ओमिक्रॉन हो सकता है कि ये प्रीवियस डेल्टा हो सकता है। तो दूसरा डिफरेंस ये है कि ओमिक्रॉन बाकी ऑर्गन्स में जैसे कि ब्रेन में, हार्ट में, लीवर में, किडनी में, पैनक्रियस में, मसल्स में ये ज़्यादा स्प्रेड नहीं होता है। डेल्टा वेरिएंट में लीवर इन्वॉल्व होता था, लीवर टेस्ट में एबनॉर्मैलिटी होती थी, एसजीओटी एसजीपीटी काफ़ी ज़्यादा होता था, मसल इन्वॉल्वमेंट होते थे, सीपीके एंजाइम मसल का बहुत ज़्यादा होता था, और जो कोविड बायोमार्कर्स थे जैसे कि सीआरपी डी-डाइमर फेरिटिन और इंटरल्यूकिन 6 ये सारे बायोमार्कर्स हम करते थे, वो डेल्टा में काफ़ी पेशेंट्स में 10 से 12 दिन तक बढ़ते रहता था। ओमिक्रॉन में कुछ पेशेंट्स के हमने इन्वेस्टिगेशन किए और माइल्डली डीरेंज्ड आया है, यानी कि बहुत कम प्रमाण में ये जो बायोमार्कर्स है ये ज़्यादा हुआ है। तो लकीली ओमिक्रॉन वेरिएंट बॉडी के अंदर ज़्यादा डैमेज नहीं कर रहा है और डेल्टा वेरिएंट में ये खतरा काफ़ी ज़्यादा था। डेल्टा वेरिएंट जो था 10 से 12 दिन तक तभी बढ़ते रहता था कोविड, और उसके बाद या तो सेटल होता था या तब तक पेशेंट कॉम्प्लिकेट हो जाते थे। ओमिक्रॉन वेरिएंट शायद कम दिनों में ही सेटल हो रहा है, मोस्ट केसेस 2 से 5-6 दिन में सेटल हो रहा है। उनको बुखार और खांसी और वीकनेस और हेडेक ये तरह के सिम्टम्स होते हैं 2 से 5-6 दिन तक, और उसके बाद वो सेटल हो जाता है, और फिर कुछ गले में दर्द या स्टफी नोज़ ये सब थोड़े दिन के लिए रहता है और फिर पूरा सेटल हो जाता है। जो डेल्टा वेरिएंट था उसमें जो वायरल क्लियरेंस होता था बॉडी में उसको ऑलमोस्ट 12 से 14 दिन लगता था, लेकिन जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है वो काफ़ी पहले ही वायरल क्लियरेंस हो जाता है, शायद 6 से 8 दिन में वायरल क्लियरेंस हो जाता है, और इसके लिए डेल्टा वेरिएंट में काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस होते थे, बट ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है वो वायरल क्लियरेंस भी जल्दी होने के वजह से जो आइसोलेशन जो हम बोलते थे कि 14 से 17 दिन या 21 दिन तक डेल्टा वेरिएंट के लिए आइसोलेशन लगता था ये हम 5 या 10 दिन अभी बोलते हैं ओमिक्रॉन वेरिएंट से। सो अगर 5 दिन में यूएस में ऐसा रेगुलेशन आया है कि अगर 5 दिन में अगर कोई ओमिक्रॉन इन्फेक्टेड कोविड पेशेंट एसिम्टोमेटिक हो यानी कि उनको कोई भी तकलीफ नहीं हो तो वो प्रॉपर मास्क पहन के बाहर जा सकता है। हमारे गवर्नमेंट की रेगुलेशन के हिसाब से बीएमसी के रेगुलेशन के हिसाब से हम 10 दिन तक अगर एसिम्टोमेटिक है तो हम बाहर जा सकते हैं, और कुछ कुछ लोग 7 दिन में ही मास्क पहन के काम रिजॉइन करने बोलता है। पर ध्यान रहे कि अगर आपने कोविड आरटीपीसीआर 7 या 10 दिन के अंदर ही कर लिया तो ऑलमोस्ट 30-40% चांस है कि वो तभी भी पॉजिटिव आएगा। वो इसीलिए कि वायरस क्लियरेंस होने के बाद भी डेड वायरस हमारे नाक में और गले में रह जाता है, और ये डेड वायरस डेल्टा वेरिएंट के टाइम 20 से 30 दिन तक भी बॉडी के अंदर रहता था। कभी कभी 25-28 दिन के बाद हम कोविड टेस्ट करते थे आरटीपीसीआर और पेशेंट का पॉजिटिव आ जाता था क्योंकि डेड वायरस अंदर रहती थी। लेकिन ओमिक्रॉन में शायद ये क्लियरेंस जल्दी होता है, लेकिन डेड वायरस अंदर रह सकता है 7-10 दिन के बाद। अगर पेशेंट पूरी तरह से ठीक भी हो गया तो भी जो वायरल क्लियरेंस है भले हो गया हो, डेड वायरस अंदर हो सकती है, और उसके वजह से जो है जो टेस्ट है आरटीपीसीआर पॉजिटिव आ सकता है। दूसरा इम्पॉर्टेंट बात यह है जो भी वैक्सीन बना, जैसे कि हमारी कोविशील्ड वैक्सीन है, कोवैक्सीन वैक्सीन है, या फाइजर या मोडर्ना की वैक्सीन है, वो सब में जो ओरिजिनल इनिशियल चाइनीज कोविड की स्ट्रेन जो है वो इस्तेमाल किया गया था,
उसका स्पाइक प्रोटीन आइसोलेट किया गया था या कोवैक्सिन में द ओरिजिनल स्ट्रेन की कल्चर बना के डेड वायरस इस्तेमाल किया गया था। तो आप समझ सकते हैं कि उसके बाद अल्फा बीटा डेल्टा वेरिएंट आया और अभी ओमिक्रॉन वेरिएंट आया और उसमें जो जेनेटिक सीक्वेंस है वो बदलते गई और इस बदलाव के वजह से ये देखा गया कि डेल्टा वेरिएंट तक जो वैक्सीन की एंटीबॉडी है वो इफेक्टिव थी लेकिन ओमिक्रॉन इट सीम्स कि जो वैक्सीन की जो एंटीबॉडी है उसे एस्केप कर दिया गया। तो डेल्टा ओमिक्रॉन वेरिएंट में शायद जो वैक्सीन की जो एंटीबॉडी प्रोटेक्शन जो बन रही है वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, शायद पार्शियली इफेक्टिव है, इफेक्टिव है। डेल्टा वेरिएंट को काफ़ी हद तक इफेक्टिव था वैक्सीन, जो एंटीबॉडी थे जो इफेक्टिव थे। उसी तरह से जिन लोगों को पहले कोविड इन्फेक्शन भी हो गया होगा तो जो एंटीबॉडी, बहुत सारे एंटीबॉडी बन जाता है बॉडी में अगर किसी को कोविड इन्फेक्शन हो गया हो, तो वो एंटीबॉडी भी डेल्टा वेरिएंट तक इफेक्टिव था बट ओमिक्रॉन पार्शली एस्केप कर दिया गया है, एस्केप कर दिया है। तो डेल्टा वेरिएंट में जो है, ओमिक्रॉन वेरिएंट में जो है, जो प्रीवियस इन्फेक्शन भी अगर हो गया हो तो वो एंटीबॉडी भी इफेक्टिव नहीं हो रहा है। और ये दो वजह से जिनको पहले भी कोविड हो चुका है या जिन्होंने दोनों वैक्सीन भी ले चुका है उनको भी वापस से कोविड हो रहा है। बट लकीली ये सारे इन्फेक्शन, अगर वैक्सीन लिया हो या नहीं लिया हो या प्रीवियस इन्फेक्शन हुआ या नहीं हुआ हो, ये सारे इन्फेक्शन फॉर्चुनेटली काफ़ी माइल्ड है और इसीलिए बहुत घबराने या पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। प्रिकॉशंस डेफिनेटली लेना चाहिए बट पैनिक करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। टाइम टू टाइम ट्रीटमेंट लेना चाहिए। ट्रीटमेंट का अगर हम बात करें तो एक नया ड्रग है मोलनुपिराविर जो हम लोग अभी इस्तेमाल करते हैं कोविड के लिए, और ये ड्रग भी अगर जो पेशेंट है जिनमें सिम्टम थोड़ा ज़्यादा हो उनको ही हम देते हैं, या जिनमें कोमॉर्बिडिटीज़ जैसे कि डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हार्ट या किडनी प्रॉब्लम हो और उनको कोर्स थोड़ा बढ़ रहा हो तो वो पेशेंट्स को हम मोलनुपिराविर देते हैं हम। और दूसरा एक एंटीबॉडी कॉकटेल थेरेपी है, वो भी है पर लकीली ओमिक्रॉन माइल्ड होने के वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं एंटीबॉडी कॉकटेल का। और ये ट्रीटमेंट काफ़ी कॉस्टली भी है, मोर देन 1 लाख रुपीज़ फॉर ट्रीटमेंट, दो पेशेंट का वायल एक साथ आती है, मोर देन 1 लाख कॉस्ट होता है। पर ये जानकारी आप ज़रूर रखें, पर बहुत पैनिक होने की जैसे मैंने बोला ज़रूरत नहीं है, बट प्रिकॉशन और मास्क पहनना, सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग, ये सब हमको डेफिनेटली करना चाहिए। आगे भी जैसे और जानकारी मिले मैं कोशिश करूँगा कि ऐसे वीडियो बनाए। उम्मीद है आपको पसंद आया हो, प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करिए। थैंक यू वेरी मच।